कबूतरीगर तो गुरु से प्रेम बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया तो उनके काम के लिए हम बड़ा चिंतित होना शुरू होंगे कि हे महादेव पर हाथ नहीं हुआ भरोसा है। पटना में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है दो तीन दिन तक अगर चर्चा नहीं हुई तो हम लोग पान दुकान में जाकर खड़ा हो जाते हैं, ऐसा लग रहा तो कोई भटा देगा, ठीक नहीं आ रहा है यहाँ तो भटाएगा चाय दुकान पर, यहाँ तो आना ही आना है। तो उस गुरु को अपना समझिए, उनके काम को अपना समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ही काम होगा तो लाभ दिखने लगेगा। बड़ा सुंदर एक उदाहरण है, हम और आप सड़क से गुजरते हुए आपस में बहुत सारे बच्चे झगड़ते रहते हैं, हमारे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे झगड़ रहे हैं हम और आप अपना काम कर रहे हैं जा रहे हैं। अब जरा सोचिए वो जो बच्चे झगड़ रहे हैं ना उसमें एक बच्चा आपका भी है, अब हमारे आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा क्योंकि वो जो दूसरे का बच्चा है तो कोई प्रभाव नहीं है हमारे आपके ऊपर, और उसमें आपको दिख गया कि अरे इसमें तो हमारा बचाव भी है, अब देखिए प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, अब वहां आप रुक जाएंगे, आप लोगों को जाके आप उसको बताएंगे अगर आप लोग आपस में कहा जाते हो देखिए अपना पर हो रहा है तो आप रुक जा रहे हैं, बिगड़ा रहे हैं कि कहीं आपस में लड़ नहीं जाए। तो अपना समझिए, देखते हैं चतुर्वा को अपना समझते हैं, खोल के बाहर आए चिंतित यहाँ है, मैं भी चिंतित हूँ, मैं भी यहाँ खोल गया हूँ चपलती, सोचिए चप्पल में हमको आपको खो रहा है, चप्पल को हमारा थोड़ी खो रहा है, चप्पल का भी हमें फायदा के लिए चप्पल में आप मारे का या नहीं है चप्पल में का जाता है कहीं कोई गायब नहीं कर दे, तो स्थिति तो ये हो जाए। तो उस गुरु को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपना बनाएंगे हम और आप तो उसके काम के लिए ठीक रहेंगे, संबंध अगर बढ़िया से हम और आप बनाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। साहब कहते हैं बड़ी अच्छी बात कि रिलेशंस मस्ट बी रिन्यूड, यानी जो रिश्ते हैं वो नया तो पूछते हैं, वो रिश्ता हमने आपने बनाया तो उस रिश्ते को ताजा रखिए, और उस रिश्ते को ताजा रखने का उपाय ये हमारे पास जो तीन सूत्र मिला हुआ है वो बहुत ऊर्जा है, तीन सूत्रों को अपने अंतस में हम आप उतारेंगे तो परिमार्जन का थोड़ा सा भी एक छोटा सा ही परिमार्जन मगर हमको और आपको समझ में आने की बात। और जब सचमुच में अपने अंदर उतारेंगे हम और आप उतारने का प्रयास करेंगे महादेव की दया से हम और आप तो बड़े सुखद बड़े खूबसूरत परिणाम आएंगे। कभी कभी हमको आपको ऐसा लगता है कि हम आप तीन सूत्र कर रहे हैं मगर कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है हमारा और आपका मानव मन है इस बात को सोच सकता है, मगर हमको और आपको ये भी सोचना चाहिए कि असफलता किसी भी चीज का एक अंग होती है, अंत नहीं होती, ठीक है आप असफल हुए तो किसी प्रयास का एक अंग है असफलता उसका अंत नहीं हो सकता, तो हमको और आपको पुनः प्रयास करना चाहिए क्योंकि महादेव के हमारा चल रहा है और इतनी जल्दी हमारा भूलते नहीं, संसार में भूलता है आता है जाता है। साहब बड़े सुंदर पंक्ति के लगता है कि जरा सी चली मने की झोंक की तेरी लगभग बोले नाव, मगर यह चलता है आकाश अभी तो रास्ते बाकी है अति झंझा आते बाकी, अभी तो बहुत सारा कुछ हमको आपको देखना है, इतने से परेशान महादेव का चेहरा इतना से परेशान थोड़ी होता है, करके मुकाबला करता है इन सारी चीजों, तो ईमानदारी से किया गया प्रयास हमारे और आपके द्वारा बड़े सुखद परिणाम हमको और आपको दिला सकता है, बड़े खूबसूरत। आपने अभी और राज्यों में जब आप जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा बहुत राज्यों के जो आरक्षी अधीक्षक हैं जो एसपी साहब हैं वो कहते हैं कि इस जिले में इतनी शिव चर्चा चल रही है कि यहाँ तो क्राइम का जो ग्राफ है वो घट गया है, यानी यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं होती थी जो क्राइम हुआ करता था वो जीरो हो गया, 1% या 100% का कहाँ 1% हो गया। देखिए परिणाम कितने खूबसूरत इसके आ रहे हैं, यानी प्रेम फैलना है, विश्वास एक दूसरे के प्रति बढ़ रहा है, श्रद्धा मन में उत्पन्न हो रही है, ज्ञान मन में आ रहा है, सब ज्ञान को समझ
समझ में बात आ गई, जब तत्व समझ में आएगी उस जगत को शिव के संसार में हम और आप जाएंगे, तो सीधी सी बात है वो शिव में मतलब कल्याण करना होता है, तो हमारे और आप में भी तो कल्याण करता का भाव आ गया। हम और आप क्या करते हैं धरती पर, दूसरे के रूप में हम और आप सुखी होते हैं, हमको दूसरे की खुशी में हमको आपकी इच्छा होती परेशानी होती, दूसरा दुख में होता है तो हम और आप ले लेते हैं। मगर जैसे जैसे हम आप शिक्षित शिष्य बन रहे हैं, ये सब चीजें हमारे आपके मन से अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। अब दूसरा दुखी होता है तो हम और आप अपने गुरु से उसके लिए दया की याचना करते हैं कि हे महादेव उस पर दया करिए। दूसरा परेशान होता है तो हम और आप उसके रूप में भी हम और आप परेशान होते हैं। शिव शिष्यता इसको कहते हैं। इतने संख्या में इतने प्रतिकूल मौसम में आप यहाँ बैठ के सारा काम धंधा छोड़ करके बैठे हुए हैं, शिव शिष्यता तो इसको कहते हैं। देखिए कितने भूत है इसके परिणाम है, इतने लोग इस हॉल में बैठे हैं, किसी की मानसिकता एक दूसरे से नहीं मिलती, किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी के बुद्धि का स्तर एक दूसरे से नहीं मिलता, फिर भी उस जगत गुरु शिव के नीचे जब हम आप आते हैं तो एक छत के नीचे बड़े मन से बड़े प्रेम से बड़े श्रद्धा से बैठते हैं। शिव शिष्यता तो इसको कहते हैं। शिव शिष्य होते हैं लोग तो धीरे धीरे ऐसा होता है, प्रेम फैलता है समाज में, विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है उस गुरु के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, हमारे आपके मन में, तो बड़े खूबसूरत इसके परिणाम मतलब वही हुआ परिणाम। और हमको और आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है, कौन है हम और आप, किस लिए धरती पर हम और आप आए हैं, यो नहीं मालूम तो जान तो लीजिएगा कि धरती पर कहने के लिए आए हैं, इस बात को तो समझने की चेष्टा होनी चाहिए। अपनी इच्छा से भी धरती पर नहीं आए हैं, माँ बाप की इच्छा से भी धरती पर नहीं आए, माँ बाप की इच्छा से अगर आए रहते तो बहुत सारे माँ बाप हैं जो संतान चाहते हैं मगर उनको संतान नहीं है, उनकी इच्छा तो है, यानी उनकी इच्छा से भी हम और आप नहीं आते धरती पर, किसकी इच्छा से आते, किस लिए आते हैं, इसलिए आते हैं कि धरती पर पैदा हो रहे भोजन करें और एक दिन चले जाए, इतना तो कुत्ता भी करता है, तो मोनू बाबू में कुत्ता में क्या फर्क होगा सोचिए, धरती पर आता है रहता है खाता है और चला जाता है, मोनू बाबू यही मोनू बाबू की धरती पर पैदा होगी यही करेंगे, रहेंगे खाएंगे और धरती से चले जाएंगे, तो दोनों में फर्क क्या है बुझ लीजिए। चलिए ठीक है, वो तो कुत्ता है, कुछ कुछ वृत्तियां उसके पास है, वो भोजन जुटा लेता है अपना, बुद्धि नहीं है उसके पास, विवेक नहीं है उसके पास, हमारे आपके पास तो है विवेक है बुद्धि है, चाहे वो उठता है बीच में वो रोटी डाल दीजिए, सब टुकड़ा आपस में नहीं सोचेगा कि काला वाला कुत्ता है तुरंत खा के आया है दूसरे को देने का रोटी, ऐसा नहीं है, खा के तुरंत आया मगर फिर भी रोटी ले लिया है, वो भर पेट खा के आया है, क्योंकि बुद्धि नहीं है उसके पास, विवेक नहीं है उसके पास, इसलिए उसका वो प्रयोग कर ही नहीं सकता, वो इस बात को नहीं सोचता कि अगर कुत्ता कुछ नहीं खाया उसको दे देते हैं रोटी। अगर हमारे आपके पास है एक पिता और उसका बच्चा है, वो 5 दिन से खाना नहीं खाया है, वो रोटी उसको ले जाके दीजिए, वो उसके बाबू जी को बचवा दें, वो रोटी को बड़ा सुंदर से ले जाएगा पैक करके अपने बच्चा को देगा और झूठ बोलेगा उससे कि बाबू हम खा लिए हैं तुम खा लो, बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे होता है, विवेक है उसके पास, वो झूठ बोल रहा है, जब बुद्धि है विवेक है तो हमको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब वो शिव ही जगत के गुरु है वही ज्ञान दे सकते हैं हमको और आपको, सही बात है वही दे भी सकते हैं, दूसरे के अवकात से तो बाहर की बात है, जीवन के विषय में जानना है तो जीवन का कौन बताएगा, जो जीवन दिया है उन्होंने बताएगा, दूसरा कैसे बता सकता है, तो हमको और आपको प्रयास करना चाहिए कि तीन सूत्रों को ईमानदारी से करें, बड़े खूबसूरत बड़े सुंदरतम इसके परिणाम है। और जब समझ में बात आएगी, जब ज्ञान धीरे धीरे उतरेगा तो ज्ञान की कहते हैं कि ज्ञान की अगली से पूरी वसुंधरा जो है वो आलोकित हो जाएगी, पुष्प खिलेंगे तो पूरी वसुंधरा पूरी सृष्टि समष्टि सुगंधित हो जाएगी, पुष्पित हो जाएगी। आप सभी इतने दूर से आए हैं,
साहब को सुनने के लिए मेरे विशेष आप सबों से आग्रह है कि बड़े शांत चित्त होकर सुने। इतने दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ हमको आपको यहाँ से लेकर जाना चाहिए। और साहब की वाणी में तो इतनी ताकत है कि वो तो मुर्दे को जीवन दे सकती है, तो हमारे और आपके जीवन को परिभाषित कैसे नहीं कर सकती है। शांति से बैठना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।